सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं इस पेंटिंग को रिक्रिएट करने जा रही हूँ। सो मैं इस डॉम्स के ब्रश पेन से, मेरे नए ब्रश पेन से बनाने जा रही हूँ इस येलो पेपर पे। तो मैंने पर्पल ब्लू डार्क ब्लू को मिक्स करने के लिए पहले लाइट ब्लू पे ब्लू चलाया, डार्क ब्लू चलाया और फिर पर्पल चलाया। फिर मैं थोड़े से कोने पे करके देख रही थी कि ये सच में वर्क करता है कि नहीं। तो ये वर्क कर रहा था, तो मैंने ब्लू नीचे कर दिया सबसे पहले। और मेरा ब्रश पे ग्लू लग रहा था तो मैं हाथ धो रहा था, तो उसको मैं पानी में डाल के रख देती हूँ। और मैं ऊपर अभी पर्पल भी कर ही देती हूँ साथ ही साथ। और ये मैंने पर्पल भी कर दिया। और आप सोचोगे मैंने पानी क्यों लिया ब्रश के लिए, ताकि ये स्मूथ हो जाए, ताकि ब्लेंड हो जाए अच्छे से। तो इसके ऊपर करने के लिए मैंने ये लिया है। तो आप देखो मैंने अभी टिश्यू लगा दिया इसके ऊपर, ताकि ये अच्छे से सोक कर ले एक्स्ट्रा पेंट। और यूँ स्मज भी कर रही हूँ मैं इसको, अभी भी मैं पेंट ही करे जा रही हूँ इस पर। तो उस पेंटिंग में पिंक भी था, जो कि मैंने लास्ट में किया है नीचे, मैं भूल गई थी लिटरली। तो अभी आप देखो मैं मेरे पोस्का मार्कर से बनाने जा रही हूँ मून स्टार्स और थोड़े से बड़े बड़े स्टार्स। तो मैंने डॉट डॉट कर दिया ताकि वो बड़े स्टार्स बन जाए। और ये मून के लिए मैंने साइड में थोड़ा सा पोस्का मार्कर की इंक निकाल दी थी, यानी कलर। मैं उसको पेंट ब्रश से लगा रही हूँ। और देखो मैं स्टार्स बनाने के लिए ऐसे पेंट ब्रश को उसके ऊपर ऐसे फिंगर से स्टार बना रही हूँ। देखो और मून का कलर थोड़ा सा ब्लू हो गया था, तो मैंने वापस से इसके ऊपर वाइट किया। और अभी मैं क्लाउड बनाने के लिए स्पंज ले रही हूँ। और साइड में इंक भी मैंने थोड़ी सी डाल दी है, मतलब कलर। और मैं यूँ उससे यूँ स्मज कर रही हूँ मेरी पेंटिंग पे। सही, देखो मेरा फाइनल आउटपुट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। एंड बाय।